अलैकुम, हम रफ़ीक हार्डवेयर की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक नए स्केल की भी कैलिब्रेशन सिखाएंगे, जिसका मॉडल नंबर है NM1405। फाइन सेंसर के नाम से ये आता है। तो कैलिब्रेशन सीखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं कैलिब्रेशन की जानिब। सबसे पहले स्केल को ऑन कर लेंगे। जैसे ये ऑन हो, इसका कैलिब्रेशन कोड मिलाना है आपने। कैलिब्रेशन कोड है 188। रिपेयर का बटन दबाएंगे, दरमियान में स्माल ज़ीरो आ जाएगी। जैसे ही स्माल ज़ीरो आएगी, आपने यूनिट प्राइस में स्माल ज़ीरो होगी, तो आपने एक का बटन दबाना है और फिर टेयर का बटन दबा देना है। ये स्टेप टू पे चला जाएगा। इधर आपने प्लेटफार्म पे वेट रखना है। ये मैंने इसके ऊपर 20 किलो का वज़न रखा है, तो आप देख सकते हैं ये वज़न सही नहीं बता रहा, 19.950 बता रहा। तो वज़न रखने के बाद इसको टेयर का बटन दबाएंगे। तो जैसे ही टेयर का बटन दबाएंगे, ये स्टेप थ्री पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप वेट एडजस्ट करेंगे। आपने 20 किलो रखा है तो 20,000 लिखेंगे और फिर टेयर का बटन दबा देंगे। टेयर का बटन दबाने के बाद यहाँ स्टेप फोर पे आ जाएगा यूनिट प्राइस में। तो आपने इधर स्केल की कैपेसिटी लिखनी है कि कितनी कैपेसिटी पे ये चले। तो मैं इसको 99 किलो तक चलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 99,000 लिखूँगा। फिर टेयर का बटन दबाएंगे, यहाँ पे यूनिट प्राइस में स्टेप फाइव आ जाएगा। यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट एडजस्ट करना भी, 2.3 या 1। ये 3, ये 2 और ये 1। मैंने इसको 3 पे चलाना है, तो मैं नीचे 3 ही लिखूँगा। 3 लिखने के बाद टेयर का बटन दबाएंगे। अब मैं इसको स्टेप फोर पे चला गया, ये 6 पे, सॉरी। जैसे ये स्टेप 6 पे आएगा, आपने यहाँ पे डिवीज़न सेट करनी है भी कितने ग्राम से चले, 5 ग्राम, 10 ग्राम। तो मैंने इसको 10 ग्राम से चलाना है, तो मैं यहाँ 10 लिख के और टेयर का बटन दबाऊँगा। तो ये स्केल हमारा कैलिब्रेट हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।